और भाई साहब यहाँ देख सकते हैं अपना 2.6 लेटेस्ट वर्जन अपना डायनो ग्राउंड थीम मोड, और ये रोर कर रहा है और उसका आवाज को आप लोग देखो, मतलब बहुत ही भयानक और काफी गुसेल रूप यहाँ पर देखने को मेरा अपना डायनासोर का। भाई यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ये वाटर यानी कि बड़े बड़े जो नदी समुद्र वगैरह अपना पबजी मोबाइल में तालाब उलाब जो आता गाइस ये पार कर दे रहा, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल। अरे भाई साहब इसका लुक देखो, कितना बड़ा साइज का अपना डायनासोर है और पूरे का पूरे स्क्वाड आप इसमें सवार होके चल सकते हैं। और गाइस यहाँ से आपको किल करना काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। भाई सब देख सकते हैं बस एक पैर लगाया और बग्गी को समाप्त कर दिया। अब गाइज उसी तरह से देखते हैं यहाँ पर ये, और नो ये तो पुल से साइज से नहीं चलेगा क्योंकि इसका साइज काफी ज्यादा है। ओके तो चलो इसे थोड़ी सी डैमेज देते हैं, अरे इसे चोट भी लगता है, तो चलो और आगे देखते हैं। तो देखो ये अपना लॉबी है, आप लोग लॉबी को थीम के साथ सेट कर सकते हैं। चार मैप पे अपडेट देखने को मिलेगा, इरेंगल लिविक जिसमें एक गियर फ्रंट देखने को मेरा, साथ ही साथ यहाँ पर एक में आप लोग को एग्जिट विद डायनासोर यानी कि ओनली डायनासोर मोड देखने को मिलेगा। तो पट से एक हम लोग लाइक कर देते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे करना। एंड गाइस ये अपना स्पॉन आइलैंड है जो कि स्केलेटन से भरा पड़ा है, एंड यहाँ पर कुछ झोपड़ी वगैरह है। यहाँ पर देख सकते हैं स्किल्स आप लोग को कुछ पावर्स देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को पहले ही सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर स्किल्स को, तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स छोटी छोटी वीडियोज पे आ जाएगी। तो चलो एक यूनिक स्किल्स हम लोग को टेलीपोर्ट वाला जो प्लेयर लॉन्चर मिला है उसको सिलेक्ट करते हैं। एंड गाइस चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा कुछ इस प्रकार इंटरफेस आप लोग को होने वाला है। चलो अब आगे देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। ओके तो गाइस ये मेरा भी फर्स्ट गेम प्ले 2.6 का, ये फर्स्ट गेम प्ले फुल आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां पर देख सकते हैं डायनो सेटलमेंट प्राइमल जोन टी रेक्स सारे लोकेशंस पे जाऊंगा यहां पर। तो सबसे पहले कौन सा लोकेशन नजदीक है वहां से एक-एक लोकेशन पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे। तो पट से आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके सामने बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस रेगुलर अब वीडियोस पे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो बीजीएमआई भी अगले मंथ आने वाली है तो बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर से रखना, इससे रिलेटेड भी काफी सारे वीडियोस आएगी। तो चलो पट से हम लोग यहां पर लैंड हो जाते हैं। तो चलो फटाक से यहाँ पर अपन लोग लैंड हो चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स में कट करके दिखाऊंगा जो कि पूरे गेम में आप लोगों को देखने को मिलेगा और कैसे गेम को आखिर खेलना है। जब तक आप लोग फुल वीडियोस नहीं देखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं उतर चुका हूँ, जैसे टी रैक्स डायनो सेटलमेंट और प्राइमल जोन तीनों में से यहाँ पर सबसे पहले मैं प्राइमल जोन पर उतरा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग टाइप का सर्कल देखने को मिलेगा, ठीक है, प्राइमल जोन में। तो यहाँ जैसे ही उतरते हो यहाँ पर काफ़ी सारे उड़ने वाले जो ड्रैगन्स मिलेंगे एंड यहाँ पर जो आप लोग को लैंड में यानी कि जमीन में चलने वाले डायनासोर्स मिलेंगे। तो कैसे उसको चलाना होता है, कैसे उस पर सवारी करना होता है, एक तरह का व्हीकल का काम करता है। तो चलो कुछ लूट हम लोग यहां पर कर लेते हैं, जो कि आप लोग का गन वगैरह लूटना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि गाइस यहां पर कुछ भी हो सकता है, बंदे आ सकते हैं या फिर डायनासोर्स वगैरह आ सकते हैं क्योंकि अपना हॉट ड्रॉप होने वाला 2.6 का जो ग्लोबल में ये आ जाती है। तो चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो चलो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप लोग को ये डायनासोर अगर नजर आती है आपको इसको मारना पड़ता है, जैसे कि डैमेज दो के अगर आप इसको मार देते हो। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार आप लोग का टेम का ऑप्शन मिलेगा, पेट या टेम दोनों का मीन्स साइज से पालतू होता है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन आप लोग को शो होगा ड्राइव वगैरह का। तो इसको जैसे ही आप अगर क्लिक कर दोगे तो फाइनली यहाँ पर ये आपका एक व्हीकल बन जाता है। सबसे पहले आपको उसको मारना पड़ता है, उसके बाद ये व्हीकल बनता है, नहीं तो ये आपको ही डैमेज पहुँचाएगा। बाकी लुक देख सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, जुरासिक पार्क जुरासिक वर्ल्ड जो मूवीज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ ऐसा फीलिंग देने वाला है। यहाँ पर एक बॉट भैया भी आ चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे कि इससे क्या हम लोग बॉट या फिर एनिमी को हम लोग डैमेज या फिर मार सकते हैं या फिर नहीं। तो देख सकते हैं रफ्तार बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है डैश का, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है उसको क्लिक कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से ये डायनासोर उड़ने वाली है, ठीक है। अब फ्लाइंग वाला जो ड्रैगन है इसको काबू करते हैं और इसको कैसे हम लोग चढ़ना पड़ता है, कैसे ड्राइविंग करना पड़ता है, चलो उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर, इसका रफ्तार भी बहुत ही ज़्यादा है व्हीकल से, शायद से मुझे लग रहा है कि सेम टू सेम ही रफ्तार है। तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं आपको हवाबाजी करना होगा यानी कि हवा में इसको मारना पड़ेगा क्योंकि ये हवा में उड़ती है और ये हॉट ड्रॉप होने वाली, काफ़ी बंदे लोग इसको लेने के लूट के लिए यहाँ पर आएंगे इस लोकेशन पे। एंड यहाँ पर अपना ग्लोबल वर्जन में काफ़ी सारे मात्रा में ये देखने को मिलेगा, ठीक है, डायनासोर ड्रैगन वगैरह आपको काफ़ी परेशान करेंगे तो इसको कुछ इस प्रकार मारना पड़ता है। सामने से टीम या फिर ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करते हो ऐसा यानी कि ऊपर वाला ऑप्शन को क्लिक करके ऊपर जाएगा। एंड गाइस जॉयस्टिक्स आप लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कौन कौन लोकेशन पर अगर जाना आप सेट कर दोगे, और यहाँ पर रफ्तार देखो 60-40-70 का KMPH आप लोगों को दे रहा है, ठीक है, तो काफी अच्छा चल रहा है यहाँ पर, तो इससे आप उड़ सकते हो। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। गाइस डायरेक्ट हम लोग प्राइमल जोन से यहाँ पर डायनो सेटलमेंट पे आ चुके हैं। डायनो सेटलमेंट में आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ स्केलेटन देखने को मिलेगा डायनासोर्स का, और यहाँ पर कहीं भी आप लैंड हो सकते हो, ऊपर नीचे कहीं से भी आप अच्छे से डिसेंड का ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, यानी कि एक तरह का ये व्हीकल ही आपका डिसेंड में जाके आप यहाँ पर ऊपर डायनासोर के स्केलेटन में आप आराम से लैंड हो सकते हो और यहाँ से अच्छे खासे कैंपिंग करके अच्छे खासे आप यहाँ पर अपने फिनिशेज ले सकते हो, ठीक है, तो काफ़ी सही है ये ऑप्शन, आप लोग को असेंड और डिसेंड से ही आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक स्किल्स मैंने सेलेक्ट किया था राइट साइड में, छोटे से देख सकते हो जहाँ पर
हम लोग रीलोड वगैरह करते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन है, उसको मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर टेलीपोर्ट या फिर फ्लाइंग लॉन्चर है, और यहाँ पर कुछ बॉक्सेस वगैरह जिसमें लेवल 3 का लूट्स मिलता है, रिस्टार्ट, और ऐसे लालटेन जैसा आप लोग को हैरिकेन बोलते होंगे, तो यहाँ पर थोड़े से जलता हुआ आप लोग को कुछ छोटे से नेस्ट यानी कि घोंसला टाइप का दिखेगा, उसको अगर आप मतलब फायर करोगे तो उससे कुछ लूट्स मिलेंगे, और यहाँ पर प्ले लॉन्चर जो फ्लाई लॉन्चर है इसमें अगर आप जाके, जो कि आप लोगों ने चेयर पार्क में पहले रहती थी, अभी भी है कि नहीं मुझे पता नहीं है, और बहुत सारे गेम में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से, अगर आप लॉन्चर में जाके यहाँ से अगर आप उड़ जाते हो ऊपर में, बाकी आप लोगों को एक पैराशूट जैसा देखने को मिलता है, और कहीं भी किसी भी लोकेशन पर जा सकते हो। लेकिन यहाँ क्या होता था, पहले अपडेट में एक ही जगह पर शिफ्ट होता था कुछ कुछ जो हम लोग का मेन हॉट ड्रॉप होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, इस स्किल यानी कि जो पावर को अगर आप सिलेक्ट करके रखोगे तो आप जितना मन चाहो उतना आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने स्किल पावर वाले वीडियोस मैंने देखा होगा मेरा, या फिर अपडेट खेला होगा, तो एक जगह से दूसरे लोकेशन पर जाओ, फिर से इसको लगाओ आप लॉन्चर को, फिर से आप लगाओ, ऐसे करके जोन वगैरह भी आती है, तो आप काफ़ी दूर दूर तक जा सकते हो। गाइज मैंने दूसरा मैच लगा दिया, इस मैच में हम लोग टी रैक्स पे जाते हैं, और ये टी रैक्स क्या है, तो भैया यही तो सब कुछ है, टी रैक्स में हम लोग को बहुत ही बड़ा साइज का डायनासोर मिलेगा, और उसको कैसे उड़ाना है, कैसे चलाना है, कैसे उसको व्हीकल बनाना है, और उसका पावर कितना ज़्यादा है, सारा कुछ हम लोग टेस्टिंग करेंगे, तो चलो पट से हम लोग लैंड हो जाते हैं। तो भाई साहब ये अपना टी रैक्स का लोकेशन, आप लोग पट से यहाँ पर लैंड हो अगर जाते हो तो ये हॉट ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि इस व्हीकल को लेने के लिए काफ़ी बंदे लोग आएंगे, काफ़ी सारे स्क्वाड आएंगे, जो कि पूरे का पूरे स्क्वाड आप उस पर चढ़ सकते हो, और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े आप लोगों को क्रेट मिल जाते हैं, एक क्रेट मिल जाएंगे, तो उसको अगर आप यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ये क्रेट खुलती है, लेवल 3 जैसे आइटम्स मिलेंगे, और सारे लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा लेवल 3 के आइटम्स को ही दिया गया है, तो आप लोगों को काफ़ी सारे लेवल 3 के आइटम्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो चलो पट से यहाँ पर लूट लेते हैं जो भी मिलता है गाइस यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग एक टाइमिंग शो होगी थोड़ी देर में कि आपका जो टी रैक्स ये स्टार्ट होने वाली है, यानी कि इसी जगह में जहाँ स्केलेटन बना हुआ काफ़ी बड़ा साइज का, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साइज का डायनासोर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाती है। यार जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर टी रैक्स हैज अपीयर्ड, यानी कि आपके पास पहुँच चुका, आपके पास आ चुका, आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज का, ऑटोमेटिक आपको आवाज़ सुनाई देगा, तो मुझे लग रहा था यार ये कहाँ है, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली आवाज़ सुनाई देगा, उस आवाज़ को आप लोग सुन के जा सकते हैं कि आखिर ये आवाज़ आती कहाँ से, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है, तो चलो देखते हैं उस लोकेशन पे जाके। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा साइज का अपना डायनो देखने को मिल रहा है, तो गाइस यही तो है अपना डायनो ग्राउंड थीम मोड, और फाइनली इस लोकेशन पे आ जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ देर के लिए बहुत ही बड़ा साइज का एक बुल हो सकता है, लेकिन ये तो बुल नहीं है, और मुझे लगा शायद से ये अपना दुश्मन होगा, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, ड्राइव के ऑप्शन पर जैसे ही मैं चढ़ जाता हूँ, और भाई साहब देख सकते हैं यहाँ से मतलब ऐसा फीलिंग आया कि आप ही सब कुछ हो, और बहुत ही कम चांसेस है कि एनिमी आपको जल्दी से मार पाएंगे, क्योंकि उसका जो रफ्तार है, पावर है, जो आप लोग देख सकते हैं, एंड यहाँ पर अगर इसके पैर के नीचे भाई साहब कोई भी आ जाता है तो ये कुचल देता है। बाकी हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखने वाले क्या वाटर में, यानी कि जो बड़े बड़े समुद्र जैसे हैं, तो इसमें चलती है या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस व्हीकल को क्या हम लोग ख़त्म कर सकते हैं या फिर इन्हें, चलो देख लेते हैं, जो कि इसका इतना बड़ा साइज है कुछ तो होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और भाई साहब यहाँ पर जो स्मोक जो फॉग टाइप का देख सकते हैं, धुआं निकलना चालू हो चुका है, एंड अगेन अगर इसके पास जाते हैं और अपना पैर को थोड़ा सा लगा देते हैं अपना डायनो का, तो देखते हैं क्या होती है। और भाई साहब देख सकते हैं ये तो मतलब पूरा फायर फायर कर दिया, आगा कर दिया, तो देख सकते हैं ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जब व्हीकल को नहीं छोड़ रहा तो एनिमी वगैरह आएगी तो मतलब वो किसी को पहचानेगा नहीं, ठीक है। और चलो आगे जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक डैश का ऑप्शन मिलता है, अगर आप उस डैश का ऑप्शन को क्लिक करते हो तो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार थोड़ा सा बढ़ जाता है, और यहाँ पर रोर का ऑप्शन को क्लिक करोगे ये रोर करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा अगल बगल का एनिमी आपको पता कर लेगा, अगर आप एक दो बार रोर करते हो तो काफ़ी अच्छा कि एनिमी जान जाएगा कि सामने पर कोई आ चुका है, तो इससे आप एनिमी को बुला भी सकते हो, बहुत अच्छा साउंड है, क्योंकि इससे आपको मारना काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और आप ही थोड़ा किंग रहते हो। तो मुझे यहाँ पर लगा क्यों, देखते हैं कि ये पानी में चल पाती या फिर ये तैर पाता या फिर इतना बड़ा साइज का क्या ये डूब जाता है, तो फिलहाल मैं थोड़ा सा दो चार बार रोवर कर लिया हूँ, क्योंकि मुझे ये करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका साउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद लग रहा है। एंड जैसे कि यहाँ पर अब आगे बढ़ते और देखते ये पानी में क्या करती है, तो मुझे थोड़ा देर जाने के बाद मुझे लगा शायद से थोड़ा कम पानी रहता है, जैसे कि अपना कैरेक्टर चलता है, और जैसे ही मैं काफ़ी दूर तक चला गया तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मतलब आप पूरे के पूरे समुद्र को यहाँ पर पार कर दो, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाली है, डूबने वाला नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो रियल लाइफ में भी जो डायनासोर होते हैं वो तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वो कहीं भी नहीं डूबता और कहीं भी चढ़ जाता है, तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल यहाँ पर लग रहा है, तो आपको ये एक व्हीकल की तरह काम करने वाला है। भाई साहब ये कहीं भी चढ़ भी सकता है, मतलब समझ सकते हो ये रियल लाइफ अपना जो रियल लाइफ नहीं यानी कि पबजी में ही जो हम लोग या BGMI में खेले होंगे BRDM, तो उसका जैसे ये पानी में भी चलेगी, वाटर में, पहाड़, कहीं भी, पर्वत वगैरह, माउंटेन, कुछ भी आ जाती है गाइज, यहाँ पर ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चल रहा है। एंड डैश को क्लिक कर दोगे तो इसका रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
एक बार ध्यान से इसको लुक को देखो, मतलब बहुत ही भयानक लुक यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं, बहुत ही डरावना वाला लुक दिया हुआ है यहाँ पर। जब ये रोअर करता है, अगर आप इस एग्जिट होकर निकल जाओगे तो ये चलेगा नहीं, वहाँ से कहीं जाएगा नहीं, बस एक कदम करके आप आसपास ही जगह पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मतलब शांति से नहीं बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ हरकत करते रहेगा। अब गाइस यहाँ पर जल्दबाजी में ये गलती मत करना कि आप अपना डायनो को लेकर कहीं भी जल्दी से चल जाओगे, पुल से भी पार होने की कोशिश करोगे, लेकिन इसका आप देख सकते हैं जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा, ये पुल में जाएगी नहीं और इसमें आप फंस जाओगे, अटक सकते हो, तो कोई भी एनिमी पीछे से आपको मार सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप पानी से ही जाने का सहारा बना लो। अब गाइस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते क्या ऐसा डैमेज होती है। गाइस ये ऑब्वियसली डैमेज होगी क्योंकि आपका एक व्हीकल है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि आप अगर इसको फायर वगैरह करते हो तो डैमेज भी होती है और इसका जो खत्म होने का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ज़्यादा अगर आप इसको डैमेज दे दोगे तो इसमें फायर, जैसे कि व्हीकल में फायर वगैरह आती है और फायर होकर ये खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोग अब से वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करो, और देखो अपना डायनो मतलब खत्म हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करो। यार आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में बाकी ये बताना BGMI PUBG KR वर्जन कौन सा आप खेलते हो, और नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है जो कि आप लोग देख सकते हैं, रेगुलर वीडियोस आ रही है टिप्स एंड ट्रिक्स 2.6 रिलेटेड, और नेक्स्ट मंथ अपना गेम भी आ रहा है BGMI, क्या कुछ नया होगा सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा, रेगुलर अपडेट देता रहता हूं। तो प्लीज यार मैक्स हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना। इंस्टाग्राम आप लोग को लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में, तो इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मैसेज करो वहां से, ठीक है, वहां से कुछ प्रॉब्लम लिंक वगैरह को लेकर तो वहां मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम मुकेश अचारस गेमिंग चैट से आप लोग को टेलीग्राम डेमो अकाउंट में भी आप जाके मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।